अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्परेंट ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस है बी एल एस सी एल आई सैम एल आई एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट हैं चैनल का जो प्ले लिस्ट है वहाँ ज़रूर विजिट करें और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सकें तो आप लोग का जो मास्टर का क्लास जो हम लोग करवा रहे थे उसमें हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम पेपर कोड है एम एल आई आई वन जीरो थ्री और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके द मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन जो है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा वो हम कवर कराएंगे जिसमें लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे तो उसको भी आप लोग जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट मीडिया इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द डिफरेंट डी वी डी फॉर्मेट यहाँ पे बता मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि आपको जो रोल होता है जो डिफरेंट uh, मीडिया का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में वो बताने हैं और साथ में आपको डिफरेंट डी वी डी फॉर्मेट जो है वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वॉट इज़ ई पब्लिशिंग ई पब्लिशिंग से आप क्या समझते हैं और मतलब क्या होता है और साथ में आपको डिस्क्राइब करना है डिफरेंट इसके कैटेगरीज जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है उसके कॉम्पोनेंट बताने हैं और साथ में आपको इसके टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी इसके कार्य के हिसाब से इसके टाइप्स बताने हैं क्वेश्चन फोर है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और आपको यहाँ पे इसके साथ में आपको एक्सप्लेन करने हैं इसके सिग्निफिकेंस एंड देयर थ्री ब्रॉड कैटेगरी इसके जो तीन ब्रॉड कैटेगरी है वो बताने हैं और इसके महत्व बताने हैं क्वेश्चन फाइव है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं और साथ में आपको डिस्क्राइब करना है द स्टेप ऑफ़ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन्यूमरेट द मेजर फॉर्म ऑफ स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो इसके मेजर फॉर्म होते हैं स्विचिंग टेक्नोलॉजी के वो आपको बताने हैं और साथ में डिस्क्राइब करना है पैकेज स्विचिंग पैकेज स्विचिंग क्या होता है वो भी बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्सप्लेन द कन्सैप्ट ऑफ आई एस का कन्सेप्ट जो है ये आपको बताना है और डिस्कस करना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट टूअर्ड आई एस डी एन कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं कारक होते हैं जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके डेवलपमेंट के लिए तो क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरे जनरेशन ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जनरेशन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप उससे क्या समझते हैं और डिस्क्राइब करना है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग कैटेगरी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्सप्लेन द फंक्शन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाई अ कम्युनिकेशन सिस्टम एट द ट्रांसमीटिंग एंड रिसीविंग एंडस जो फंक्शन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा जो कि ट्रांसमिशिंग एंड रिसीविंग एंड में वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चन नंबर टेन है डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी कन्सेप्ट जो बताने हैं आपको नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के साथ में आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जब कन्वर्जेंस में वो बताने हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है डिफ़ाइन द टर्म मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं और आपको एक्सप्लेन करना है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ मल्टी मीडिया इन्फॉर्मेशन वो टेक्नोलॉजी जो कि इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जब मल्टी मीडिया जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है तो ये बताने हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व वाट इज़ ई पब्लिशिंग ई पब्लिशिंग से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं करंट इशूज ऑफ ई पब्लिशिंग ई पब्लिशिंग के जो करंट इशूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो बताने हैं फोर्टीन है कंप्यूटर मेमोरी एक्जिविट द वाइडेस्ट रेंज ऑफ टाइप टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ एनी फीचर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इल्यूसेट मतलब कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो एक्जिबिट करती है वाइडेस्ट रेंज ऑफ टाइप टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ एनी फ़ीचर ऑफ अ कंप्यूटर तो इस स्टेटमेंट को आपको बढ़ा मतलब इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब सिंगल यूजर नेटवर्क होता है मल्टी यूजर नेटवर्क सॉरी मल्टी यूजर जब होता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो इन तीनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर है बिटवीन फोर टाइप ऑफ मॉडर् मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में फोर uh, टाइप जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे uh, उसके अंतर स्पष्ट करने हैं क्वेश्चन सेवनटीन है एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ आईएसडीएन आईएसडीएन के कन्सेप्ट बताना है और डिस्कस करना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट कौन कौन से वो कारक हैं जो कि मतलब uh, इसमें अहम रोल प्ले करते हैं इसके डेवलपमेंट में क्वेश्चन नंबर एटीन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ कंप्यूटे कंप्यूटेशन ऑन डेटा नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वस आर्किटेक्चर होता है एक मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म होता है कंप्यूटेशन ऑफ डेटा नेटवर्क का इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस टूअर्ड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी डैट इज एन ई आई एस इसके रोल बताने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ़ ई जनरल ई जनरल का जो एवोल्यूशन हुआ मतलब जो उसका यहाँ पे जो हिस्ट्री है मतलब ग्रोथ कैसे हुआ ये बताना है और डिस्कस करना है इसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो भी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं आपको डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन मॉनिटरिंग देयर स्पेशल फ़ीचर उसके स्पेशल फ़ीचर को ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंट कंप्यूटर के जनरेशन है वो आपको यहाँ पे बताने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनपुट सर्विस डिस्कसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो डिफरेंट कैटेगरी है इनपुट सर्विसेज के सॉरी इनपुट डिवाइस के वो यहाँ पे बताने हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है इन्यूमरेट द डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो स्विचिंग टेक्निक होते हैं वो यहाँ पे आपको बताने हैं और डिस्कस करना है डेटा ट्रांसफ़र यूजिंग पैकेज स्विचिंग जो डेटा ट्रांसफ़र होता है पैकेज स्विचिंग को इस्तेमाल करके वो भी आपको बताने हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोफॉर्म माइक्रोफॉम के अलग अलग प्रकार होते हैं वो बताने हैं और डिस्कस करने हैं देर यूज इन लाइब्रेरी उसके जो इस्तेमाल होता है लाइब्रेरी में वो भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वॉट आर डेटा नेटवर्क डेटा नेटवर्क से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं मेजर डेटा नेटवर्क सर्विस इन इंडिया मेजर जो डेटा नेटवर्क सर्विस होता है इंडिया में वो यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है डिस्क्राइब द सर्विस प्रोवाइडेड बाई इन फ्लिपनेट इन फ्लिबनेट्स के द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो आपको उन्हीं सर्विसज को यहाँ पे डिस्कस डिस्क्राइब करने हैं ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिब्लोग्राफिक यूटी यूटिलिटी यूटिलिटी सॉरी यूटिलिटी नेटवर्क जो बिबलोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क है उसके कॉन्सेप्ट बताने हैं और साथ में आपको डिस्क्राइब करना है द टूल टूल्स इन्वॉल्व इन इट इन में जो टूल्स uh, मतलब होते हैं वो यहाँ पे आपको बताने हैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द डिफरेंट बिटवीन मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज जो मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज होता है इसमें आपको डिफरेंस बताने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है वॉट इज वॉट इज़ सिस्टम एनालिसिस यहाँ पे डब्लू uh, नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लेना डब्लू एच ए टी वॉट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं और साथ में आपको एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग जो प्रकार होते हैं इग्जाम्पल के उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे स्पष्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई मार्कअप लैंग्वेज जो मार्कअप लैंग्वेज होता है उससे आप क्या समझते हैं और आपको एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में एच टी एम एल अलॉन्ग विद इट्स मेरिट एंड डी मेरिट्स जो एच टी एम एल होता है उसके मेरिट उसके मेरिट uh, और डी मेरिट आपको साथ में एक्सप्लन करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग स्टाइल ऑफ आई एस ओ ओ एस आई रेफरेंस आर्किटेक्चर जो यहाँ पे फंक्शनिंग स्टाइल जो होता है आई एस ओ ओ एस आई रेफरिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर का वो बताना है डेटा कम्युनिकेशन में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लेनोग्राफी एंड इंटा गैलियो प्रिंटिंग इंटा गैलियो एंड प्लेनोग्राफी जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे प्रिंटिंग के ये आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ ई बुक ई बुक का जो जब बनता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है वॉट इज़ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस से आप क्या समझते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो लेवल होते हैं कन्वर्जेंस में वो बताने हैं कोई दो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि थर्टी फाइव क्वेश्चन है इन्यूमरेट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन प्रिंट मटेरियल जो नॉन प्रिंट मटेरियल के डिफरेंट जो कैटेगरीज़ होते हैं वो बताने हैं और इसमें साथ में आपको डिस्कस करना है ब्रीफली द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो यहाँ पे आपको ब्रीफली डिस्कस करने हैं तो आई होप आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इन सब क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम में जाएं और इसी के साथ हम लोग इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर है वो भी लेके आएंगे और इसी के साथ ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद